अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा हफ़्ता जो है वो बारिशों वाला हफ़्ता है और ये मौसम जो है ना वो बड़ा ही देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसके साथ एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे शायद आप उदास हो गए लेकिन हमने सोचा कि भाई अब घर बैठ के जो है वो उदास होने की ज़रूरत नहीं है बाहर निकले और जो हमारे पेंडिंग काम है जो कि रमज़ान से ही लटके हुए थे उन्हें जो है मुकम्मल किया जाए तो मेरा जो फ़िश टैंक है उसका फ़िल्टर बहुत दिनों से चेंज होने वाला था तो हमने सोचा कि उसको जाके चेंज किया जाए और साथ में जो है वो हमारे हुसैन साहब भी आ गए उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊँगा और मैंने सोचा चलते हैं क्योंकि जो पेट स्टोर होते हैं ना यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं मज़े मज़े के पेट होते हैं और साथ में जो है ना वहाँ पे ग्रूमिंग सैलून भी होते हैं तो जिस पेट स्टोर में हम आए हैं ना यहाँ पे डॉग्स का सैलून था तो लोग अपने जो है वो डॉग्स को लेकर आते हैं उनकी क्या कहना चाहिए सिंगार कराते हैं <laughs> कटिंग करवाते हैं शैम्पू करवाते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भी थे इस स्टोर में तो बजाय इंजॉय करने के हुसैन साहब तो थोड़ा घबरा रहे थे जाहिर है रंग बिरंगे डॉग और एक दूसरे को देख के थोड़े ज़रा बेकरार भी हो रहे थे तो बस जी फिश टैंक के जो है वो कुछ सजावट के सामान को मैं देख रही थी और सोच रही थी कि जो महंगाई है वो हर जगह ही असरअाज़ हुई है यानी कि अब आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें भी जो है वो इस कदर महंगी हो गई हैं हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर तक जो है वो हर चीज़ जो है वो हाफ़ प्राइस पे थी लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं बहरहाल जो असल काम हमने करना था वो तो बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि फिल्टर जो है वो बनाना उन्होंने बंद कर दिया बड़ी मुश्किल से उसका जो हमें पार्ट चाहिए था वो मिला और साथ में जो है वो सहनसा आपकी इंटरटेनमेंट भी थी क्योंकि पेट स्टोर है तो यहाँ से आप डिफरेंट पेट्स ख़रीद सकते हैं तो वो बस बड़े खुश थे और देख रहे थे रंग बरंगे पेट और आप देख सकते हैं ये मुन्ना सा चूहा है आपको नज़र आ रहा है तो जी ये फैंसी माउस है और हमारे मुल्क में तो ख़वान चूहों को देख के चीखें मारती हैं अब यहाँ पे जो है वो चूहों को लोग पाल लेते हैं अब उनके नित्य नए नाम हैं लेकिन बहरहाल चूहा तो चूहा ही है चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो मुझे तो कोई ऐसा सच मोहब्बत आती नहीं चूहे को देख के लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए और जी यहाँ पे जो है वो पेट के तौर पे आप सांप को भी रख सकते हैं और आई डोंट नो ये सांप इतने आराम से बैठा हुआ था बस जैसे ही कैमरा आया तो बहुत ही जो है ना वो अटेंशन सीकर है इसने तो अपनी गर्दन उठाई और फ़ौरन पोज बना के बैठ गया कि जल्दी से मुझे कैप्चर कर लो तो देख लीजिए जी कितना प्यारा सांप है और जी महज सांप ही नहीं लोग यहाँ पे छिपकलियाँ भी पालते हैं देख लीजिए है, मेरे जैसे लोग जो छिपकली को देख के बिल्कुल आवाज ही आवाज़ ही गायब हो जाती है मतलब मैं तो शायद फ़ौत होने के करीब हो जाती हूँ लेकिन लोग ना सिर्फ छिपकली को पालते हैं प्यार भी करते हैं उनसे बड़ा कमाल है और जी बड़ा हौसला है और हमारा जो फ़िश टैंक है वो थोड़ा सा आजकल ख़ाली खाली था तो मैंने सोचा कुछ दूसरी तरह की जो है ना वो फ़िश इसके अंदर डाली जाए तो फिश मुझे पसंद आ रही थी ना वो सब की सब जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव थी तो वो जब ऑलरेडी जो मौजूद है मेरे पास फ़िश उनके साथ डाली जाएंगी ना तो फिर उनकी बहुत पिटाई करेंगी तो फिर लामाला हमें नॉन एग्रेसिव टाइप की मछलियों पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हालांकि मेरा दिल बहुत था कि मैं दूसरी वाली फ़िश लूँ और गोल्ड फिश के साथ तो मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हैं एक दो क्योंकि गोल्ड फिश जो है ना वो टैंक को बहुत गंदा करती है तो मैं चाह रही थी कि टैंक जो है ज़रा कम गंदा करने वाली फ़िश ली जाए क्योंकि ऑलरेडी फ़िल्टर के बड़े मसाइल चल रहे हैं तो बस फाइनली हमने ये फिश जो है वो सिलेक्ट किया और इसको जो है वो पकड़ के ढूंढ़ ढूंढ़ के जो है वो डाल रही हैं इन बिटवीन एक एक्सीडेंट हो गया एक फिश नीचे जाके गिर गई और बेचारी तड़पने लगी फिर आंटी ने जल्दी से उठाया और वापस डाला फाइनली वो तैरने लगी तो ज़रा जान में जान आई कि बच गई और जी ये हैं वर्म्स जिनके ऊपर कलर लगाया हुआ है इस वजह से क्योंकि बड़ी साइज की स्पाइडर या छिपकलियाँ या सांप जो लोग अपने घर में पालते हैं उनका ये फूड है और इस पर कलर इसलिए लगाते हैं ताकि वो उन्हें दूर से देख सकें कि ये पड़ा हमारा खाना और यहाँ पर जो है वो बिल्ली है और बिल्ली की एक छोटी सी बच्ची है ये अडोप्शन के लिए अवेलेबल थी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पे उन्हें ख़रीदना नहीं कहते यहाँ पर अडोप्ट करना कहते हैं तो हमने तो जी ये पाँच छः मस्किन सी जो मछलियाँ ख़रीदी बस उन्हें पकड़ा और स्टोर से बाहर गए क्योंकि यहाँ पर तो कुत्ते एक दूसरे को देख के इतने परेशान हो रहे थे ना वो अपने घरों में तो ज़ाहिर है अकेले होते हैं जब डॉग स्टोर पर आते हैं तो यहाँ पर तो हर तरह का डॉग नज़र आता है तो ज़रा कंट्रोल से बाहर हो रहे थे तो बस जी यहाँ से निकले और चले गए साथ में एक और स्टोर में और मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि जूता जो है वो रिटायर होने वाला हो गया है तो फाइनली उसको रिटायर कर दिया है और नया जूता ले ही लिया है और जब हम स्टोर से बाहर निकल रहे थे तो मेरे मियाँ जो है वो मेरा पुराना जूता जो है वो डस्टबिन में डाल रहे थे और मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि नहीं उसको मत फेंकें इस वजह से कि वो कहीं और काम आ जाएगा लेकिन बस वो मियाँ ही क्या जो आपकी बात सुन लें मुझे अमूमन ना बाहर जा के कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरे मियाँ साहब के पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है वो ले कर एक जगह जाते हैं मगर घुमाते आपको छः जगह हैं यानी कि अगर आप आधे घंटे के काम के लिए निकले हैं तो आप घर में चार घंटे बाद आते हैं तो बहरहाल अब हम घुस गए हैं वॉलमार्ट में और वॉलमार्ट से जो है वो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी थी वो हो रही थी ग्रॉसरी शॉपिंग और यहाँ पर मैं देख रही थी कि बड़ी क्यूट चीज़ें लगी हुई हैं और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि वो ये तो सारी मदर्स डे की चीज़ें हैं तो बस जी मदर्स डे यहाँ पे बड़े शौक़ व शौक़ से मनाया जाता है और आप अपनी अम्माओं को जो है वो इनमें से कोई भी चीज़ ख़रीद के दे सकते हैं और उस दिन उन्हें एहसास दिला सकते हैं कि आप बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हालांकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है मेरा ख्याल है आप सब मेरे साथ जो है वो अग्री करेंगे कि हर दिन माँ का दिन होता है माँ के बग़ैर भी कोई दिन होता है माँ के बग़ैर भी कोई घर होता है बिल्कुल नहीं होता तो जी माओ को जो है ना वो हर वक्त अप्रीशिएट करना चाहिए हर दिन उनके लिए जो है वो कोई ना कोई अहतमाम करना चाहिए उनकी मर्ज़ी की कोई चीज़ पकानी चाहिए कभी अपने लिए कोई सूट ख़रीदने गए हैं तो एक सूट उनके लिए भी ख़रीदना चाहिए और अगर तोहफे तहाइफ की गुंजाइश नहीं है तो उनके साथ बड़ा क्वालिटी का टाइम गुजारना चाहिए अच्छी अच्छी बातें करें आपको पता है कि आपकी अम्मा बचपन में क्या कुछ करती थी नहीं पता है तो आपको ज़रूरत है कि अपनी अम्मा के साथ बैठें और ख़ूब अच्छी ज़बरदस्त वाली गपशप करें बड़ा ही मज़ा आएगा आपको और यहाँ पे आजकल जो है वो थैले कॉस्ट के हो गए हैं यानी कि आप आपको ख़रीदने पड़ते हैं थैले तो बस बेहतर यही है कि गाड़ी में थैले रख लिए जाए ट्रॉली में सामान भर के ले आते हैं और फिर गाड़ी से थैले निकाल के जो है उसमें सामान भर लेते हैं क्योंकि हर दफ़ा थैले ख़रीदें और फिर बाद में उन थैलों का क्या करें तो बस इसीलिए बेहतर है कि उन्हीं थैलों को आप रीयूज करते रहें और यहाँ पे जो है वो मछलियाँ जो है वो टैंक साफ़ करके उसमें डाल दी गई हैं और आप देख लीजिए कि नए टैंक में जाके काफ़ी बेकरार हैं यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी बहुत प्यारी दोस्त के घर जिसके घर आया हुआ है पाकिस्तान से मेरा सामान और पाकिस्तान से सामान आया हुआ हो तो भाई बंदा तो सर पे पैर रख के दौड़ लगाता है कि भागे और जाके अपनी चीज़ें लेकर आए और दिल को खुश करे इतने प्यारे प्यारे कपड़े देख के तो जी उधर उन्होंने बनाई हुई थी हमारे लिए चाय और मज़ेदार किस्म के पकौड़े और यहाँ पर हम कर रहे थे खूब गप ये वही दोस्त हैं जिन्होंने ईद की डेकोरेशन के लिए मुझे सामान भी दिया था स्कूल में सेट करने के लिए और जी वहाँ से हम आ रहे हैं वापस और आप ये मत सोचें कि अब हम कहाँ पे गुम हो गए और इतनी अंधेरी राह गुजर में हम कहाँ चले जा रहे हैं तो जी कनाडा में जो है वो अंदर अंदर के जितने रास्ते हैं वो इतने ही अंधेरे हैं शुरू शुरू में जब मैं दुबई से यहाँ मूव हुई थी तो मुझे तो हॉल पड़ा करते थे कि हम कहाँ आ गए हैं भाई यहाँ पर तो कहीं बती ही नहीं नज़र आती मेरे शवाल के रोज़े अभी भी चल रहे हैं होपफुली जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक इन शाला तला पूरे हो गए होंगे तो मैं सैरी के टाइम पे उठी तो देखिए ज़रा मौसम में बाहर है और उसमें जो है वो बर्फ़ गिर रही है तो मैंने सोचा एक छोटा सा सीन आपके लिए कैप्चर करूँ तो बाहर जो है वो बर्फ़ गिर रही थी और अंदर मैं जो हूँ वो अकेली अपने लिए सैरी बना रही थी मैंने अपने लिए बनाई चाय अंडा और पराठा और चाय को मैंने डाला एक बोल में ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए क्योंकि कप में चाय डालो तो उसको ठंडे होने में बहुत टाइम लगता है इस तरह से जो है ना वो चाय पीनी आसान होती है तो जी हमने कर ली सहरी और ये हो गई है हमारी सुबह ये जो सीन है ना जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था लेकिन उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था कि मैं आपके लिए कैप्चर करूँ आप देखिएगा ये बहुत बड़े बड़े मिट्टी के थैले हैं जो कि उठाने नामुमकिन है लोग अपने घरों से ऑर्डर कर देते हैं और लोग जो हैं वो ऑब्वियसली इनको ख़रीद के नहीं ला सकते गाड़ी में नहीं रख सकते ख़ुद से डालना मुश्किल हो जाता है तो जो कंपनी वाले हैं वो इनको इस तरह से भेजते हैं और हर ट्रक के पीछे जो है वो एक छोटी सी गाड़ी लगी हुई होती है तो वो इतना मज़े का सीन होता है मैं और हुसैन इतने शौक़ से देखते हैं मैंने सोचा आपको भी अच्छा लगेगा तो जो ड्राइवर है उस गाड़ी को नीचे उतारता है और बड़े से बोरे को जो है वो उसके ऊपर लादता है और जिसके घर भी जाना होता है उनके एंट्रेंस पर छोड़ आ जाता है तो ये बड़ा ही एक मज़ेदार सीन होता है तो एंजॉय करें कनाडा में एक बड़ी अच्छी बात है वो ये कि यहाँ पे मेहनत में अजमत है ये ज़रूर है कि आपको अपने लेवल की अपनी एजुकेशन के हिसाब से अक्सर ही नौकरी नहीं मिलती है बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीएचडी हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर्स हैं अपने मुल्कों में बड़ी अच्छी अच्छी जॉबें करते थे लेकिन जब वो कनाडा आए हैं तो उनको उनके हिसाब से जो है वो नौकरी नहीं मिली तो फिर वो बहुत सारी डिफरेंट कामों में इन्वॉल्व हो गए तो कुछ पता नहीं होता कि कोई ट्रक का ड्राइवर जो है वो कहीं का पी डॉक्टर हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि मेहनत में अज़मत है जो आदमी काम कर रहा है उसकी बहुत इज्जत है और यही जो है वो मेरा ख़्याल है हमारे दीन का भी निचोड़ है कि मेहनत में अज़मत होती है और जी ये वही कबाब हैं जो मैंने आपके साथ रमज़ान में फ्रीज़ किए थे उस दिन मैंने इनका बनाया था सालन कबाब कढ़ाई और आज जो बचे हुए कबाब हैं उन्हें मैंने सुबह जो है वो फ्राई कर लिया है और इनको मैं टोटियाज में डाल के इसके ऊपर कैचअप या सॉस जो भी आपको पसंद हो जो आपका बच्चा खाना पसंद करता है वो डालें और इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो टोस्ट कर लें फ्राइंग पैन के ऊपर तो ये सील हो जाते हैं बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं और फिर आप इन्हें आराम से फॉइल में लपेट के लंच में दे सकते हैं तो एक कबाब बना के जो है ना उसके आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने का मकसद था अगर आप पिज़्ज़ा बनाएं तो आप सीख कबाब पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं तो जी लंच जो है वो हमने पैक कर दिया है और जब मैं लंच पैक कर रही थी तो मुझे याद आया कि ये देखें कोकोमो जब हम बचपन में थे जब हम बच्चे थे तो हम कोको में बहुत शौक से खाते थे लिटरली मैं तीन तीन चार चार पैकेट खाती थी और आप देखिए ज़माना कितनी तेज़ी से गुजर रहा है कि अब हमारे बच्चे भी कोको में शौक से खाते हैं तो बस जी अपना जो घर का नॉर्मल रूटीन का काम है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे बन रहा है आलू गोश्त और आलू गोश्त में सिंपल जो अपने बेसिक मसाले हैं नमक मिर्च टेस्ट के हिसाब से एक चम्मच जो है वो धनिया पाउडर ज़ीरा और क्वार्टर चम्मच हल्दी प्याज टमाटर और गोश्त को अच्छी तरह से भून लें सारे मसाले डाल दें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें बुनाई कर लें अच्छी तरह से फिर पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लीजिए प्रेशर कुक जब आप कर लेंगे तो गोश्त गल जाएगा फिर उसके अंदर आप थोड़े से आलू डाल दें एक छोटा सा प्रेशर दीजिए आलू भी गल जाएंगे फिर बड़े बर्तन में जो है वो इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए बस यहाँ पे जो है वो आपने अगर पानी ऐड करना है तो कर लें और उसको ढक के थोड़ी देर उस वक्त तक पकाएं जब तक इसकी तरी ऊपर ना आ जाए तो ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा तो जी ये था हमारा उस दिन का लंच मेरा बहरहाल इस वक्त तक रोज़ा ही था लेकिन ज़ाहिर है जो बाकी पब्लिक थी उसने तो खाना खाना था ना तो आलू गोश्त जो है ना वो हमारे यहाँ बड़े फेवरेट हैं आप लोगों से एक सवाल है जब आलू गोश्त आप पकाते हैं उसके नेक्स्ट जब आप उसे फ्रिज से निकालते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती इसका कोई टोटका है तो मुझे ज़रूर बताएं क्योंकि टेस्ट में तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता लेकिन खुशबू में ज़रूर फ्रिज में रखने से फ़र्क पड़ जाता है तो अगर किसी के पास इसका कोई हल है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो जी हमने बनाया आलू गोश उसके साथ मटर चावल साथ में मज़ेदार किस्म का रायता और सब ने बहुत इन्जॉय करके खाया उम्मीद है कि आप सब लोग भी अपने घर में बहुत मज़े मज़े के खाने पकाते होंगे और सब खुश होकर खाते होंगे तो अल्लाह ताला आप सब के में बरकत दे खैर दे आसानी दे खुश रहिए दूसरों को खुश रखिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़